टली मैम yes. मैं बल्कि मैं उन ग्यारह साल में हमेशा उनसे लड़ती थी कि यू you नो know, तुम ना कभी केयर नहीं करते हो मेरी एंड ऑलवेज से कि मैं ना शाहरुख खान हूँ मैं ना अजय देवगन हूँ मैं ना हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें फ्लावर्स ला के दूँगा और उसी से केयर होती है एंड थैंक यू अमित इन अठारह महीनों में ऐसा शायद कोई दिन नहीं था जब तुमने वो केयर मुझे नहीं दिखाई

आज हम स्टोरीज ऑफ करेज के एक नए एपिसोड के लिए इधर हैं और ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी को आज हम शेयर करेंगे एंड वी हैव विद अस मिसेस सोनिया बंसल अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी शी हैज़ टू शेयर विद अस ऑल एंड बिफोर वी बिगिन आई एम डॉक्टर मीनू वालिया सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑनकॉलोजी एट मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड नाउ आई विल आस्क रिक्वेस्ट सोनिया टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ थैंक यू एवरी वन थैंक यू मैम फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर सो मेरा नाम आप सब जानते हैं सोनिया एक अनर्जेटिक चेयरफुल लड़की जो हर चीज़ में हमेशा आगे चाहे वो कोई इवेंट हो ऑफिस का या फैमिली फंक्शन हमेशा हर डांस फ्लोर पर आई वॉज़ द ओनली वन जिसको हमेशा बुलाया जाता था कि चलो यार डांस करो सो दिस वॉज़ सोनिया Uh, i live in a joint family with you know a big family. so we have almost eight members in our house so big family uh, everything is good career my husband my daughter my in-laws my mother so that is sonia with her family and with her work so just like I, always say, uh, I always say that everyone has one life but cancer patients have two lives and it is the life before cancer and their second life is the life after this diagnosis after cancer has had hit them so let's know about your first life the the, the, the life before cancer so i think uh, life before cancer was awesome ma'am Uh, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास जो भी एक नॉर्मल इंसान एक मीडियम क्लास इंसान शायद सोचता है एवरीथिंग लाइफ uh, बिल्कुल ग्रेट चल रही थी जिसमें सब चीज़ें फैमिली का प्यार हस्बैंड का सपोर्ट डॉटर का केयर एवरीथिंग वाज विद आस एंड आई थिंक शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कैंसर जैसा शब्द मेरी जिंदगी में कहीं आएगा हिंदी मूवी की तरह सब कुछ परफेक्ट था पर कुछ तो होना था कुछ होना था तो, और द वेरी हैप्पी जब आपको पहली बार पता लगा कि आपको कैंसर है sure, तो, uh, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये नाइन्थेंबर को हमने अपने मैंने अपने ब्रदर इन लॉ का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी इट वॉज अ वेरी लार्ज इवेंट एवरी वन चलेवर् वेरी हैप्पी और उसके तीन चार दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि कहीं गांठ है मेरे राइट प्रेस में बट उसमें कोई पेन नहीं है लखली अनलखली मैंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो कैंसर जैसा शब्द मेरी जिंदगी में हो सकता है तो पास का एक गायनो है मॉम सेट कि चलो एक बार देखवा लो सो आई जस्ट वेंट टू हर शी चेट एंड शी वेरी कैजी सेट कि कुछ भी नहीं है ये तो नॉर्मली लेडीज़ को जाते पता नहीं दिमाग में क्यों आया यार एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए तो मैंने उनको फोर्स किया कि नहीं आप मेरा अल्ट्रासाउंड करवाओ और इतना कॉन्फिडेंट थी क्या मुझे क्या हो सकता है बिकॉज़ मैं एक बहुत ही पंक्चुअल इंसान थी हर सिक्स मंथ्स में सारे ब्लड टेस्ट एवरी की नहीं यू नो आई एम अ वेरी रिलीजियसली फॉलोइंग ऑल मेडिकल थिंग्स कि मुझे नहीं हो सकती चीज़ तो मैंने गाड़ी उठाई और अपने आप ही मैं अल्ट्रासाउंड करवाने भी चली गई जब वो अल्ट्रासाउंड कर रही थी वो बीच बीच में कहीं रुकी और उसने अपने कंप्यूटर के एक स्क्रीन पे कुछ देखा और बस वहीं से दिल धड़क यार क्यों ऐसा यू you नो know, अल्ट्रासाउंड तो बहुत जल्दी हो जाता है इतना सा तो एरिया ये क्यों इतना टाइम लगा रही है जब ख़त्म हुआ शी सेट कॉल यूर हस्बैंड ऐसा लगा ज़मीन हिल गई पैरों के नीचे से हस्बैंड क्यों आप मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है नो no, हम आपको नहीं बता सकते लाइक कॉल माई हस्बैंड वो ऑफिस से आए एंड उन्होंने अपने रूम में ले गया एंड उन्होंने बोला कि नहीं ये गांठ शायद कैंसरस हो सकती है इमिडियटली इसका कल बायोप्सी होगी और एम होगी जिंदगी का वो वर्ड बायोप्सी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी में हम शायद नहीं सुनते हैं मतलब तो अगले दिन हमने बायोप्सी करवाई एम की वो बड़ा सा रूम है उसकी वो अजीब सी आवाज़ जो शायद कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में शायद एम नहीं करवाना चाहेगा वो करवाया और एम का रिजल्ट था और आज भी मुझे याद है कि यू नो माई हस्बेंड ने वो रिपोर्ट देखी एंड यू नो ही स्टार्टेड क्राइम और उस दिन यू uh, नो you know, किसी भी रिलेशनशिप में हम बहुत बार लड़ते हैं उस दिन वो एहसास हुआ कि क्योंकि कैंसर शब्द ना इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि कैंसर हो गया तो आप सर्वाइव ही नहीं करोगे ऐसा लगा जिंदगी उस दिन थम गई एवरी वन वॉज़ एंड आई वॉज लाइक यार ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं शायद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था एंड माई लिटिल वाटर वॉज लाइक क्या हो गया मम्मा को कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ और फिर वो पाँच दिन जो हमने इधर उधर हम डॉक्टर्स के पास गए वन ऑफ आर वेरी क्लोज़ अमित के बड़े भैया हैं वो हमें लेकर गए एंड देन फाइनली यू नो वी केम टू यू और आपने बोला कि हो जाता है सब कुछ ओके है कोई टेंशन की बात ही नहीं है तब जाके लगा कि नहीं कैंसर का मतलब वो नहीं है जो इंडियन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि यार यू नो यू विल नॉट सर्वाइव हाँ आपने बोला कि हाँ मुश्किल है बट हो जाएगा वो हो जाएगा जब मैं घर वापस गई एंड यू नो आई सॉ माई डॉटर कि मम्मा क्या हुआ क्या बोला मी एंड यू नो शी एंड शी रिमेंबर्स योर नेम वेरी यू नो मीनू मैम ने क्या बोला आई सेड नो मैम ने बोला है मम्मा सही हो जाएगी और बस वो कुछ पल हैं जो मुझे हमेशा याद रहते हैं कि वो डर कि मैं अपनी फ़ैमिली को शायद खो दूंगी या मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे ही खो देंगे वो डर ने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी परिवार है प्यार है और जब हम किसी मुश्किल में आते हैं ना तब हमें समझ तब हमें समझ में आता है कि यार आपके परिवार वाले आपसे कितना प्यार करते हैं है। मैम सो तो वो दिन मुझे शायद ही कभी भूलेगा आप Mm -hmm. These moments nobody can forget. Exactly. The exact day, the exact time. Time. Right. Bataya right. And I, it is no brainer. Everybody knows that it is not easy. It's not. In spite of all said and done, it's a long journey, a very tedious journey, and not easy. And uh, it was almost eighteen months, one and a half year. Yes. That you went through this journey.

और मैंने दो महीने उनकी बहुत सेवा की और अपने गोदी में मैंने उनको मरते हुए देखा था मुझे इस कैंसर शब्द से नफरत थी ये कैंसर मेरी ज़िंदगी में ना कभी भी वापस नहीं आना चाहिए <laughs> लेकिन कहते हैं ना भगवान की लीला तो कुछ और है उसने मेरे लिए शायद कुछ और सोचा था और ये कैंसर शब्द मेरी ज़िंदगी में वापस आया और आज मैं इस माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिनको शायद मैं नहीं कह पाई सबसे पहले डेफिनेटली मैक्स मीनू मैम योर टीम गीता मैम्स टीम आई थिंक जो सपोर्ट मुझे यहाँ से मिला हम कीमो के लिए जाते थे बैक पैक करके तो ऐसा नहीं लगता था कि कहीं और जा रहे हैं हॉस्पिटल नहीं हम अपने ही घर जा रहे हैं हम वहाँ जाते थे सब हमसे मिलने आते थे इतना अच्छा लगता था कि यार ये तो मेरा दूसरा घर है सो आई थिंक योर लव योर केयर एंड द ट्रस्ट यू गेव अस कि यू नो यार वी आर फॉलोइंग द राइट पाथ मुश्किल है असंभव नहीं है संभव होगा तो वो एक पहला चीज़ थी जो हमेशा हमें लगता था कि यार सही दवाइयाँ दे रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया सब अच्छा होगा ये पहली चीज़ थी दूसरी चीज़ आई विल से माई स्परिचुअलिटी कि मुझे सबने ये बोला कि इस दौरान आपको अपने मेंटली आपको स्ट्रांग होना है क्योंकि जब तक आप कैंसर की बीमारी को आप बिना मेंटल स्ट्रेंथ से नहीं हटा सकते और वो मेंटल स्ट्रेंथ फर्स्टली स्पिरिचुअलिटी से आती है सो so, मैंने जब भी मैं कीमो में आती थी तो मैं गौर गोपाल दास की एक बुक लेके आती थी एंड आई यूज़ टू रीड यू नो पेजेस और पूरे सिक्स कीमो में मैंने वो पूरी बुक फिनिश करी आपने जो बुक दी थी मैंने वो पूरी पढ़ी एंड आई इन शोर्ट जो अच्छी चीज़ें हैं अच्छे इमोशन्स हैं वो मेरे यहाँ और यहाँ हमेशा है और ये कैंसर मुझे हरा नहीं सकता और उसके बाद आता है परिवार इसके बिना आप इस लड़ाई से जीत ही नहीं सकते और इसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी माई हजबर जर्नीटली मैम मैं बल्कि uh, मैं उन ग्यारह साल में हमेशा उनसे लड़ती थी कि यू you नो know, तुम ना कभी केयर नहीं करते हो मेरी कि मैं ना शाहरुख खान हूँ मैं ना अजय देवगन हूँ मैं ना हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें फ्लावर्स ला के दूँगा और उसी से केयर होती है एंड थैंक यू अमित इन अठारह महीनों में ऐसा शायद कोई दिन नहीं था जब तुमने वो केयर मुझे नहीं दिखाई सो थैंक यू कैंसर मुझे ये एहसास दिलाने के लिए दैट आई गॉट द बेस्ट हेजबिन इन दिस वर्ल्ड एंड सेकेंड इज़ माई लिटिल प्रिंसेस हमने पहले ये सोचा कि शायद हम उसको ये नहीं बताएंगे बट फिर हमें लगा कि क्यों नहीं अगर उसको ये एहसास होगा कि मम्मा एक मुश्किल जर्नी से गुजर रही है वो मेरे साथ और जुड़ेगी और वही हुआ उसको सभी डॉक्टर्स के नाम याद हैं और मेरे हस्बैंड ने उसको इतने अच्छे से ट्रेन कर दिया था क्योंकि आई रिमेंबर जब हम कीमो से निकलते थे तो हमें एक डिस्चार्ज समरी मिलती थी जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ़ मेडिसन्स थी तो शी रिमेंबर्ड ऑल द मेडिसन्स अगर मम्मा को रात में पेन है तो अल्ट्रासेड देना है अगर हल्का सा भी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वेनॉल देनी है अगर वॉमिटिंग है तो तुरंत एम सेट देनी और अगर ज़्यादा वॉमिटिंग है तो एम सेट एट देनी है न शी वॉज एट दैट लेवल अ सेवन ईयर्स ओल्ड डॉटर न्यू एवरीथिंग अबाउट माई मेडिसिन माई ब्लड टेस्ट एंड शी वॉज माई पावर एवरी डे शी इज टू टेल मी मम्मा कोई दिक्कत नहीं है मैं हूँ ना आपके साथ मैं पापा को संभालूंगी और मॉर्निंग uh, में यू नो शीज़ टू गेट अपट सिक्स ओ क्लॉक और वो आ, अमित को उठाती थी कि मुझे तैयार करो स्कूल के लिए एंड शूज़ टू से देखा मैं क्लौथी डॉक्टर हूँ जो मैं उठाती हूँ पेरेंट्स को कि मुझे तैयार कर दो रहता थे कि पेरेंट्स उठाएँ डॉक्टर को कि स्कूल भेज दो सो आई थिंक ये मेरी स्ट्रेंथ थी नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज़ माई मदर इमेजिन एक सेवेंटी ईयर्स ओल्ड लेडी हु लॉस्ट हर हजबेंड विद लिवर कैंसर his her son with चिकन ग एंड देन आई वॉज यू नो हर दो हर ओनली होप और आई डायग्नोस विथ ब्रेस्ट कैंसर स्टेज टू बट शी इन शॉर्ट कि सुबह से लेकर रात तक उनके आंसू मेरे सामने नहीं थे जो भी मेरा एक स्केड्यूल था कि मुझे जूस लेना है मुझे कोकोनट वाटर शी इन शॉर्ट कि वो सारी चीज़ें मैं अपने साथ ले रही हूँ और इन सभी के साथ मेरा वो परिवार माई ब्रदर इन लॉ हैज़ वाइफ माई इन लॉज कोई भी चीज़ अगर मुझे खानी है घर पर अगर मन कर रहा है तो देवर लाइक अच्छा हलवा बनाते हैं अच्छा जे बनाते हैं सो आई थिंक मैं यही कहूँगी इस माध्यम से कि दोस्तों परिवार एक इतनी बड़ी ताकत है ना कि वो हर मुश्किल से आपको निकाल देगी और उसने मुझे इस मुश्किल में इतनी पावर दी कि मैं कैंसर से लड़ती रही और अपने काम को बिल्कुल करती रही और ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरा काम माय वर्क नॉट अ सिंगल डे आई टुक अ हॉलीडे एक्सेप्ट द डे जब मैं कीमो के लिए जाती थी एंड आई यूज टू इंश्योर मेरे पास दो स्ट्रेंथ थी मेरी डोलो और मेरी अल्ट्रासेट मेरे रामबाण दवाई खाई और चाहे रात को काम किया चाहे सुबह काम किया एंड आई इंश्योर डेट माई वर्क इज़ नॉट इम्पेक्टेड एंड यू वोट बिलीव मैम मैं जनवरी में मेरा डायग्नोस हुआ था अक्टूबर में मैं ऑफिस गई थी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था बिकॉज़ आई टोल्ड टू वेल लिमिटेड पीपल उन्होंने मेरे हेयर्स देखे मेरा कलर देखा फेस का बोले तुमको क्या हो गया यार तुम तो इतने लंबे बाल थे मैंने कहा हाँ यार आई गॉट डायग्नोज विथ कैंसर रियली में इट वॉज़ यू क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से तो आज तक हम ये भी नहीं समझ पाए कि तुम पेन में हो उस दिन मुझे लगा कि हाँ मेरे इतने अच्छे यू नो माई डॉक्टर्स टीम माई फ्रेंड्स माई फैमिली माई ऑफिस सपोर्ट मुझे इतनी पावर दे दी कि लोग मेरी आवाज़ से ये भी नहीं समझ पाए कि इसके बाल नहीं है इसको दर्द है इसकी रेडिएशन के स्किन जल चुकी है इसको दर्द हो रहा है स्टिचेस भरे नहीं वो सारा पेन मेरे साथ था लेकिन वो आवाज़ में कहीं नहीं था सो आई थिंक दैट इज़ ऑल ये सारी चीज़ों के कारण आज मैं आज आप लोग के सामने खड़ी हूँ और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देख रही हूँ कि जियो खुश रहो क्योंकि जिंदगी में कब फिर से क्या आ जाए ब्लड टेस्ट में आपको कौन सी सी बी की रिपोर्ट ऊपर नीचे हो जाए कुछ नहीं पता सो जस्ट है इट्स एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग एंड द फैक्ट दैट यू कॉन्टिन्यूड वर्किंग डूरिंग योर ट्रीटमेंट ऑल्सो नहीं तो जैसे लोगों को डायग्नोसिस मिलता है ना आई I मीन mean, जैसे लाइक like, हम तो रोज जब भी किसी को बता रहे हैं कीमो वगैरह के बारे में तो मोस्ट ऑफ द टाइम द इम्प्रेशन की बिस्तर पे पड़ जाएंगे right. पता नहीं चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे तो इन स्पाइट ऑफ द इंटायर ट्रीटमेंट यू आर डूइंग योर ड्यूटीज़ एज एज अ मदर एज अ वाइफ एज फैमिली मेम्बर एंड प्लस एज अ प्रोफेशनल एंड वी ऑल नो कि आज आई मीन बींग अ प्रोफेशनल इज़ नॉट ईजी So, that, what do you think? Is it, I mean, was it also a reason? Because I personally if you are working, I think that also becomes one of the positive. फैक्टर इन योर हीलिंग जर्नी बिल्कुल मैम और मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट कीमो था ना तो मेरा सिर्फ एक ही डर था और मैंने मुझसे पूछा कि मैं मैम से पूछ लूँ कि क्या मैं काम कर सकती हूँ आपने बोला हाँ काम कर लो और आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपकी शायद एक पेशेंट थी जो कीमो करवा के फ्लाइट से वापस जाती थी कि बिल्कुल करो बस जब थकाना तो रेस्ट करना वो मंत्रा मैंने फॉलो कर रखा था और मैं अपने काम के प्रति इतनी ज़्यादा एडमेंट थी कि मेरे घर में सब मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि जैसी मेरी मीटिंग ख़त्म होती थी और मेरा लैपटॉप बंद होता था आई सुन मम्मा धर धुर उससे रुको अभी रुको तुम्हारे मैनेजर को फ़ोन करते हैं और तुम्हारी मीटिंग शेड्यूल करवाते हैं मतलब आई थिंक जो मैंने आपके इतने सारे और भी जितने प्रोग्राम्स होते हैं मुझे लगता है कि अगर आप एक डिफ़िकल्ट जर्नी से गुजर रहे हो वो भी कैंसर की आपको अपना फोकस कैंसर पर नहीं एक पॉजिटिव चीज़ पे रखना है और आप वो करो जो आपका पैशन है कुछ लोग ड्राइंग करते हैं कोई डांस करता मेरा पैशन मेरा वर्क था और उसी ने मुझे मोटिवेशन दिया कि दर्द है कोई दिक्कत नहीं है काम करते रहो और ये तो दर्द है जो आपको सहना ही है सहते रहो सिंपल तो पर्सनली आई कैन वॉच फॉर यू आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर एन एपिसोड आई थिंक हमारा वन ऑफ आर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स वॉज देयर एंड देट वॉज द होली सेलिब्रेशन ये जब हम कर रहे थे एक फ़िजिकल मीटिंग थी जिसमें सब पेशेंट्स वगैरह को बुलाया था एंड वोट आई रिमेंबर इस शायद तुम्हारी कीमो एक या दो दिन पहले ही हुई थी yes. तो कीमो के अगले दिन या दूसरे दिन यूवा देयर एंड युवा देअर ऑन द स्टेज एंड डांसिंग एंड जब वो सब लोग डांस कर रहे थे तो आई स्टिल रिमेंबर जब वो बाद में वीडियो बनी थी और रील बनी थी एंड यू आर डांसिंग सो ब्यूटिफुली एंड देन समबडी कमेंटेड फ्रॉम द टीम मैम इनकी अभी कीमो दो दिन पहले हुई है एंड देट वॉज रियली अस्टोनिशिंग टू हैव अड कीमो एंड द नेक्स्ट डे यू आर ऑन स्टेज एंड पार्टिस

सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट करें ट्रस्ट करें कि वो आपके साथ हैं और सही प्रोसेस दे रहे हैं डोंट क्वेश्चन देम जस्ट क्लैरिफाई क्वेरीज फर्स्ट थिंग सेकेंडली मेंटल स्ट्रेंथ आपका जो पैशन है उसको कंटिन्यू करिए याद रखिएगा कैंसर आपको तोड़ देगा अगर आपने कैंसर को नहीं हराया तो कैंसर को हराना है और अपने फोकस को दर्द नहीं दर्द तो होता है दर्द तो होना ही है दर्द का क्या है लेकिन अपने पैशन को जिंदा रखो तीसरा जो मैं जो मेरे साथ हुआ जब मेरे बाल यू नो आई है लॉन्ग हेयर्स एंड आई यूज़ टू लव माई हेयर एंड एवरी हर एवरी लेडी यू नो लव द हेयर और वो फर्स्ट कीमो के बाद मैम वो ऐसे हाथ में आ गए और वो आज भी मैंने अपने पास रखे हैं सो आई यूज़ टू क्राई लेकिन माई फैमिली मेम्बर्स इन शोर्ट मी वो मुझे उसमें भी ये बोलते थे अरे यार इतनी सुंदर लग रही हो यार देखो तुम्हारा ये देखो तुम्हारे गंजापन कितना खूबसूरत लग रहा है सो आई थिंक पॉजिटिविटी होना घर पे वो बहुत ज़रूरी है तो मैं अपनी अपने सभी दोस्तों को कहूँगी और उनके साथ जो उनके अटेंडेंस हैं जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको पॉजिटिव रखिए उनके अंदर वो फ़िज़िकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसका एहसास उन्हें मत दिलाइए जस्ट मेक देम मोर पॉजिटिव एंड आई एम श्योर your positivity, your love, your care will help them to fight this cancer. just be positive and trust your doctors. two simple things. thank you. beautifully said, sonia. so before we end, you know, uh, as we know about the second life sure. of sonia after cancer. so what do you say? i mean, having had gone through this journey. so mata life to hum jaane, ab ye jo second life. Hai, how has cancer changed you? Is the perspective, your, the way you view life, has it changed? Is it more beautiful than the previous one? Or, कैसा it कैसा तुम्हें लगता है life के So I think I will start I love my short hairs now. Everyone <laughs> says that <laughs> Sonia, you look more beautiful because now you have more powers with you. So I think uh, in the second life, I love my small hair. I love this hairband which I am wearing and. Uh, ज़िंदगी में पता है हम लोग ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रोते रहते हैं अरे यार उसने मुझे ये कह दिया अरे उसने मुझे वो बोल दिया मेरे पास ये कार है उसके पास वो कार नहीं है क्या करोगे जिस दिन रिपोर्ट आएगी कि कैंसर यू नो सेकेंड या थर्ड स्टेज पे सो आई थिंक मेरा नज़र ये चेंज हो गया कि जिंदगी को जियो और ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर हटके जिसके लिए आपको भगवान ने यहाँ भेजा है सबसे प्यार करो मैम आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेरे घर में अगर कोई भी आता है ना सो आई गिव देम रिस्पेक्ट कि ये वंदा ना मेरा नाम याद रखे अब क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या हो जाए कौन से रिपोर्ट में एक नया कैंसर निकल आएगा वो स्टेज फोर पे, है सो so जिससे भी मिलो उससे प्यार से रहो जिंदगी को जियो खूबसूरती से जियो और सबसे इंपॉर्टेंट मिशन मैंने मैम जो बनाया क्योंकि हम लोग ना बहुत ही दोनों बहुत वर्क एल्कोलिक थे हम कहीं जाते नहीं थे सो so, एक मैंने मिशन सेट कर दिया अमित को कि हर साल दो हमें ट्रिप पर लेके जाओगे एंड मेक श्योर sure दैट वी डू इट क्योंकि जिंदगी खेलने का टाइम है जियो और जीने दो और खुश रहो यार बस यही मैसेज है और यही मैंने अपनी ज़िंदगी में दूसरी जिंदगी में सीखा है कि बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है इसीलिए खुशियों को एंजॉय कीजिए बुरे वक्त को बस भूल जाइए सो इन Sonia has now actually started living life yes. rather than just living on passing time. And her second life is much more beautiful and probably has got much more meaning. She sees life from a different perspective altogether. Definitely. And with that, so many thanks, Sonia, for being here. Thank you, ma'am, for being with us every time when we wanted you.